Hello students, very good morning. This is Amit here from St. Mary School, your social science teacher. We have covered the chapter 4, the Northern Mountains. The topic covered are the Himalayas, Karakoram ranges, like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and Purvanchal Hills ranges, a state of the Purvanchal region like Arunachal Pradesh and Nagaland. We have already covered it. And the festival of Nagaland, Hornbill, is a special feature of Nagaland in which they try to motivate Nagaland people. Nagas are trying to save their culture, society. That's why this festival is very special for them. Means Nagas जो होते हैं वो अपना festival जो Hornbill नाम का है वो मनाते हैं. इसमें वो अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए मनाते हैं, जिसमें वो लोग डांस वगैरह स्पेशल टाइप के डांसेस करते हैं. एंड नेक्स्ट इज फैक्ट वाइज, इन फैक्ट वाइज द नागाज वियर सॉल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस. नागाज जो हैं अलग अलग तरह के डिजाइंस के सॉल यूज करते हैं, वियर करते हैं ठंड के मौसम में. वी कैन टेल द ट्राइब अ नागा बिलोंग्स टू फ्रॉम द डिज़ाइन ऑन हर और हिज सॉल. मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइब्स जो होते हैं, जो नागाज होते हैं, वो बिलोंग करते हैं डिज़ाइंस के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए. मीन्स नागाज में डिज़ाइंस के लिए ही बहुत फेमस हैं वो, डिज़ाइन बनाने के लिए सॉल पर, और वो खुद ही उस डिज़ाइन का यूज़ भी करते हैं, वियर भी करते हैं, और इसीलिए नागास जाने जाते हैं. एंड ट्राइब्स उन्हें कहा जाता है जो आदिवासी होते हैं, आदिवासियों को ट्राइब्स कहा जाता है, और नागास भी ट्राइब्स ही हैं, आदिवासी. सो व्हाई द लैंड ऑफ नागास इज़ कॉल्ड नागालैंड. ओके, ट्राइब पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट को पसंद करते हैं, और सारा कुछ उनका फूडिंग, शेल्टर, देयर बेसिक नीड्स, ऑल थिंग दे फुलफिल बाय फॉरेस्ट ओनली मैक्सिमम. ओके, नाउ इट्स मणिपुर. कैपिटल एंड लोकेशन, इम्फाल इज मणिपुर्स कैपिटल. मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है. दिस स्टेट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मणिपुर भी असम की तरह, नागालैंड की तरह, अरुणाचल प्रदेश की तरह, मणिपुर भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय नागालैंड ऑन द नॉर्थ. मैप में नॉर्थ साइड से नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम इन द वेस्ट, वेस्ट साइड से असम है, और साउथ ईस्ट साइड से मिज़ोरम. मणिपुर का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ साइड से नागालैंड, वेस्ट साइड से असम, एंड साउथ ईस्ट साइड से मिज़ोरम. क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन, मणिपुर हैज़ माइल्ड समर, कोल्ड विंटर, एबंडेंट रेनफॉल. गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठंड ज़्यादा होती है, और रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है बहुत. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ एग्रीकल्चर. वहाँ के लोग खेती
उनका मेन ऑक्यूपेशन है, उनका मेन काम है खेती करना, एंड द मेन क्रॉप्स आर, और वहाँ की जो मेन मेन मुख्य मुख्य फसल है वो है राइस, मेज़, सुगरकेन, मस्टर्ड एंड टोबैको। टेरेस फार्मिंग इज़ प्रीवेलेंट हियर, टेरेस फार्मिंग का भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है। टेरेस फार्मिंग मैंने आपको समझा दिया था कि माउंटेंस पे यूजुअली टेरेस फार्मिंग किया जाता है, वहाँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी में स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ते हैं, तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप वहाँ फार्मिंग होती है, उसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। मीन्स स्लोप पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, ताकि वहाँ अगर रेन वाटर फ्लो करे तो वो उन खेतों से होकर बहे, फ्लो करे, और वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो साथ में फ्लो ना कर जाए, मीन्स सॉइल इरोजन ना हो। दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर। मेन लैंग्वेजेस इन मणिपुर आर कुकी, टंगखुल, लुशाई एंड मिटी, मीन्स मणिपुरी। मेन लैंग्वेज ऑफ मणिपुर कुकी, टंगखुल, लुशाई एंड मिटी, मीन्स मणिपुरी। दीज आर द लैंग्वेजेज ऑफ मणिपुर। पीपल सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स सच एज कुट, मीन्स ऑटुमन फेस्टिवल, ऑटोमन फेस्टिवल, ओके, जिसे हम ऑटोमन फेस्टिवल कहते हैं या ऑटोमन सीजन में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसको वो लोग कुट फेस्टिवल कहते हैं। निनगोल, चाकोउबा, चाकोउबा, निनगोल, चाकोउबा मीन्स सोशल फेस्टिवल, सामाजिक सोसाइटी लेवल पे मनाते हैं। एंड कंग, रथ यात्रा, कैंग यथ रथ यात्रा जो निकलती है उसी को वो लोग वहाँ कैंग कहते हैं। अगर वो लोग कैंग फेस्टिवल मना रहे होते हैं, मीन्स रथ यात्रा निकाली जा रही है गॉड की। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। टूरिस्ट प्लेसेस एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर हैज़ मैनी अट्रैक्टिव प्लेसेस लाइक लोकटक लेक, जो कि इम्फाल में है, खयांग पीक जो कि उखरुल में है, मीन्स वहाँ का हाईएस्ट पीक, पंच रत्न टेम्पल बिष्णुपुर एंड मकेल केव गुफा सेनापति जगह का नाम, ये सभी वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और स्पेशल फीचर्स में है मणिपुरी डांस इन द स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टेट। मणिपुरी डांस अलग टाइप की होती है, आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, कुछ मूवीज़ में भी देखे होंगे मणिपुरी डांस, कथकली। नेक्स्ट इज मिज़ोरम, अनदर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट साइड। मिज़ोरम कैपिटल एंड लोकेशन, आइजोल इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम, मिज़ोरम का कैपिटल आइजोल है। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक मणिपुर, नागालैंड, असम, मिज़ोरम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। मिज़ोरम इज़ बाउंडेड बाय म्यांमार, म्यांमार इज़ अ कंट्री एंड शेयर्स बॉर्डर विद मिज़ोरम, सो मिज़ोरम शेयर्स इंडियंस बाउंड्री विद म्यांमार,
इन द ईस्ट मीन्स मिज़ोरम के ईस्ट साइड में म्यांमार है, साउथ साइड में बांग्लादेश, इन द वेस्ट मीन्स म्यांमार ईस्ट और साउथ साइड में म्यांमार है और वेस्ट साइड में बांग्लादेश, मतलब मिज़ोरम के ईस्ट और साउथ साइड में म्यांमार और वेस्ट साइड में बांग्लादेश। नाउ क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशंस। मिज़ोरम इज़ टॉलरेबल वार्म इन समर, मतलब ठीक ठाक गर्मी होती है वहाँ जो कि झेल सकते हैं हम लोग, मतलब वहाँ के लोग झेल लेते हैं। टॉलरेबल है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट कम भी नहीं है। एंड नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर, और ठंड के मौसम में भी ज़्यादा ठंड नहीं होती। इट रिसीव्स एवरेज रेनफॉल, ठीक ठाक बारिश भी हो जाती है मिज़ोरम में। पीपल्स मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर, वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। द ग्रो एंड क्रॉप्स ऑफ पैडी, वहाँ के लोग पैडी क्रॉप्स उगाते हैं मीन्स राइस, मेज़, जिंजर, मस्टर्ड, शुगर केन एंड पोटैटोज़, ये यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। नाउ लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ मिज़ोरम। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस स्टेट आर मिज़ो एंड इंग्लिश, मीन्स इन मिज़ोरम दे आर यूजुअली यूजिंग द लैंग्वेज मिज़ो एंड इंग्लिश। एंड टू फेस्टिवल्स आर देयर, चापचरकुट हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स लोकल फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम, स्टेट फेस्टिवल यू कैन से ऑल्सो, एंड क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड हियर विद ग्रेट जेल। क्रिसमस बड़े पैमाने पर अच्छे से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है मिज़ोरम में। नाउ टूरिस्ट प्लेसेस एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ मिज़ोरम। डर्टलैंग हिल्स विच इज़ सिचुएटेड एट आइज़ॉल विच इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम, आइज़ॉल वहाँ सिचुएटेड है डर्टलैंग हिल पहाड़ी। रेह डिल लेक, ये है चम्फाई में, जगह का नाम है। साजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लुंगलई में जगह है, वहीं पे लुंगलई नाम का जगह है जहाँ साजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड विंग पुई पीक पहाड़ी, ऊंचाई है, चोटी है, विंग पुई पीक पहाड़ की ऊंची चोटी आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दिस स्टेट, ये सब वहाँ टूरिस्ट के घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वेविंग इन इंट्रिकेट डिज़ाइंस इन ब्राइट कलर्स इज अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टेट। सो टूरिस्ट प्लेसेस एंड स्पेशल फीचर्स आर डर्टलैंग हिल्स विच इज सिचुएटेड एट आइज़ॉल, रेह डिल लेक विच इज सिचुएटेड एट चम्फाई, साजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज सिचुएटेड एट लुंगलई, एंड विंगपुई पीक जो पहाड़ी की ऊंची चोटी, विंगपुई पीक ये है लोंगलई में, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। एंड वेविंग इन इंट्रिकेट डिज़ाइंस इन ब्राइट कलर्स इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस स्टेट, मीन्स मिज़ोरम की खासियत है कि वहाँ का जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो बहुत मुश्किल, बहुत जटिल डिज़ाइन होता है कपड़ों पर और काफ़ी रंगीला होता है, रंगीन कपड़े होते हैं, ब्राइट कलर्स मतलब डार्क ब्राइट कलर्स के कपड़े, और उस पर बहुत मुश्किल बहुत जटिल वाले डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डिज़ाइंस बुने जाते हैं, ये वहाँ की खासियत है मिज़ोरम की।
Now next is Tripura. The capital and location, Tripura's capital is Agartala. Located in the northeast India. Same side. Tripura is bordered by Bangladesh in the north. Tripura ke north side mein Bangladesh, south and west means Tripura ke north side mein, south side mein aur west side mein, matlab teen taraf se Bangladesh hai. त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है और बाकी जो साइड्स बच जाते हैं असम एंड मिजोरम आर ऑन इट्स ईस्ट साइड. मतलब त्रिपुरा के ईस्ट साइड में असम और मिजोरम जो इंडियन स्टेट्स हैं और बाकी तीन साइड से बांग्लादेश है. क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा हैज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. त्रिपुरा का क्लाइमेट ह्यूमिड है. त्रिपुरा हैज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. यहाँ नमी ज़्यादा होती है मीन्स एयर में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स गर्मी जैसा होता है गर्म. इट्स समर्स आर मॉडरेटली वार्म. वहाँ का जो समर होता है गर्मी का मौसम होता है वो नॉर्मली गर्म होता है. इट हैज़ कोल्ड विंटर्स एंड इनफ रेनफॉल. ठंड होती है वहाँ अच्छी होती है ठंड और बारिश भी ठीक ठाक हो जाता है त्रिपुरा में. पीपल्स मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर. वहाँ के लोगों की भी मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. मेन क्रॉप्स आर राइस रबर एंड पाइन एप्पल्स. ओके नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 32. लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ त्रिपुरा. सो बंगाली कोक बोर्क एंड इंग्लिश लैंग्वेजेज आर मेनली स्पोकन इन दिस स्टेट. मीन्स त्रिपुरा स्टेट में बंगाली बोली जाती है कोक बोर्क और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ का मेन लैंग्वेजेज हैं. तीन तरह के लैंग्वेज उनका लोकल लैंग्वेज है कोक बोर्क. पीपल सेलिब्रेट मेनली टू फेस्टिवल्स. वहाँ के लोग नॉर्मली दो फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें एक है अशोकाष्टमी. जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी दुर्गा अष्टमी वैसे ही अशोकाष्टमी मनाया जाता है वहाँ. एंड करची पूजा ये दो फेस्टिवल वहाँ मनाए जाते हैं अशोकाष्टमी और करची पूजा. वहाँ का स्टेट फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है. Now, tourist places and special features of Tripura. Wildlife sanctuaries. Tripura wildlife sanctuaries situated at Agartala. Bhuvaneshwari temple also situated at Agartala, that is capital of Tripura. Ravindra Kanan and Buddha Vihar attract tourists from far and wide. बहुत दूर दूर से लोग इस फेमस जगह को देखने आते हैं डेट इज़ रविंद्र कानन एंड बुद्धा विहार. काफ़ी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है. नाउ होजागिरी डांस इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टेट. होजागिरी डांस का नाम है जैसे क्लासिकल डांस कथक डांस कुचिपुड़ी वैसे ही होजागिरी डांस त्रिपुरा का फेमस और स्पेशल टाइप का डांस है. एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज मेघालय. मेघालय
कैपिटल एंड लोकेशन, शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय का जो स्टेट है उसका कैपिटल शिलोंग है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेघालय बिलोंग करता है। मेघालय इज लोकेटेड बिटवीन बांग्लादेश इन साउथ एंड असम इन द नॉर्थ। मीन्स मेघालय के साउथ साइड में बांग्लादेश है और नॉर्थ साइड में असम है। क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ मेघालय। दिस स्टेट हैज़ लो टेम्परेचर इन विंटर। ठंड के मौसम में ठंड होती है, बट समर्स आर प्लीजेंट। गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, अच्छी मतलब अच्छा लगता है वहाँ गर्मी का मौसम। हाउएवर इट रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल। मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पीपल ऑफ दिस स्टेट आर इंगेज्ड मेनली इन एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग भी बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन अपनाते हैं एंड ग्रो क्रॉप्स ऑफ राइस, मेज एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल, बनाना, लेमन, लीची, गुआभा एक्सेट्रा। नाउ लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स ऑफ मेघालय। गारो, खासी, पनार एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर इन मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, पनार एंड इंग्लिश मेन लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है वहाँ। द टू पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ दिस स्टेट आर वंगाला, दैट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल, स्टेट फेस्टिवल वंगाला वहाँ मनाई जाती है, एंड जयंतिया, दैट इज़ कलरफुल फेस्टिवल। जैसे हमारे लिए दिवाली है कलरफुल फेस्टिवल, सॉरी होली है कलरफुल फेस्टिवल, वैसे ही यहाँ का जयंतिया फेस्टिवल कलरफुल फेस्टिवल है जो धूमधाम से वो लोग मनाते हैं मेघालय के लोग। नाउ टूरिस्ट प्लेसेस एंड स्पेशल फीचर्स। सम टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ दिस स्टेट आर मावासमई केव, मावासमई गुफा जो कि चेरापूंजी में है, चेरापूंजी, मावासमई केव एट और नियर बाय चेरापूंजी। गारो हिल्स जो कि एक पहाड़ है वहाँ की चोटी है, ऊंचाई है। बटरफ्लाई म्यूज़ियम, मीन्स नाम है म्यूज़ियम का बटरफ्लाई म्यूज़ियम। माफलांग सैकर्ड फॉरेस्ट नियर शिलोंग। माफलांग सैकर्ड फॉरेस्ट है, जंगल है जो कि शिलोंग के पास है, जो कि मेघालय की राजधानी है, कैपिटल है। स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस स्टेट इंक्लूडिंग हैवीएस्ट रेनफॉल। इस स्टेट का, मेघालय स्टेट का सबसे स्पेशल फीचर है कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एंड द कैथेड्रल चर्च ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, ये यहाँ का दूसरा स्पेशल थिंग है। कैथेड्रल चर्च है वहाँ मैरी का जो कि क्रिश्चियनिटी से हैं। ये दूसरा अट्रैक्टिव प्लेस है, अट्रैक्शन है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू गाइस दैट इन मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया especially in Cherrapunji, the heaviest rainfall, maximum rainfall in all over world, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं अगर सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो हमारे स्टेट, हमारे कंट्री का एक स्टेट मेघालय है। और मेघालय में भी चेरापूंजी नाम का एक जगह है, प्लेस है जहाँ पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे मैक्सिमम बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला एरिया
चेरापूंजी। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमेशा, पूरी दुनिया में यहाँ से ज़्यादा बारिश और कहीं नहीं होती। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर एंड आई थिंक यू हैव टोटली नो अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेंस ऑफ इंडिया, मीन्स हमारे इंडिया के बारे में आपने, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन है, जो काफ़ी बड़ा रेंज है माउंटेंस का, जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड से और असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय तक फैला हुआ हमारा हिमालय, हिमालय का पार्ट, और साथ में काराकोरम रेंजेस भी हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिसे हम पूर्वांचल रीजन भी कहते हैं, उनमें मेन मेन स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सारे हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हैं। मैप में आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में ये सारे स्टेट्स हैं, और यहाँ का जो मेन क्रॉप है, मेन फसल है, और मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में भी इन सारे जगहों पे राइस मींस पैडी क्रॉपिंग होती है। ओके, यूजुअली मेज, मक्के की भी खेती होती है, मस्टर्ड की भी होती है, पोटैटोज़ की भी होती है, जिंजर की भी होती है, और हर स्टेट, यहाँ के हर स्टेट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, लैंग्वेज डिफरेंट हैं, फूडिंग हैबिट्स डिफरेंट है, वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, रहने वाले डिफरेंट हैं, अलग कल्चर है, अलग सोसाइटी है, अलग तरह के फेस्टिवल्स वो मनाते हैं, बट फाइनली वी आर इंडियन, सो वी हैव टू बी हैप्पी दैट वी आर इंडियन। हम लोग वहाँ जाकर इंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इंजॉय कर सकते हैं, और हम लोग एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, डैट्स वाई आवर इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज हियर डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, लोकल फेस्टिवल्स, और यू कैन से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, अप्रॉक्सीमेट एवरी स्टेट्स हैविंग देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल, फिर भी हम सभी मिल के मनाते हैं, ऑल इंडिया मिल के मनाता है, सेलिब्रेट करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, द नॉर्दर्न माउंटेंस। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विश टू carry warm up, sorry wrap up page number 33. Now this is the end of the chapter. Be at home, be happy, be safe, stay at home, and thank you for this. And now it's session for homework. Your homework is read chapter, watch video and recordings very carefully, read your textbook chapter number 4, the Northern Mountain, very carefully, and those words which are harder, write in your copy, find its meaning and just read, go through, jo bhi hard words hain unka word ka मीनिंग आपको कॉपी में लिखना है, रीड करना है, जो भी वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको अच्छे से आपको वॉच करना है, बिकॉज जब भी टेस्ट लूँगा तो यू नो वेरी वेल कि मैं चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर करके आपको देता हूँ। सो यू हैव टू
prepare well for test. Okay. And I hope you students now try to do question number A, B, C, D, and E. Question number A, question number B, question number C, question number D, and question number E of page number 33 and 34. This is your homework. Thank you.